फोटोशॉप के अंदर पासवर्ड साइज फोटो कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 5 मिनट के अंदर पासवर्ड साइज फोटो बनाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों फोटो लेते समय आपको याद रखना है कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड कलर है वो सिंगल कलर में रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे आसानी से आप फोटो को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फोटो को ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि इस फोटो को हम लोग क्रॉप करेंगे, क्रॉप करेंगे अपने पासवर्ड साइज के जो साइज़ होता है उसमें। तो हमारा पासवर्ड साइज का जो साइज़ होता है 3.5 सेंटीमीटर का जो होता है हमारा विड्थ होता है, और हाइट जो रहता है 4.5 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रॉप में आते हैं और यहाँ पर रेशियो के बाद यहाँ पर आपको विड्थ है, विड्थ यहाँ पर हम लोग दे देंगे 3.5। तो यहाँ पर हम लोग 3.5 दिए एंड टैप प्रेस करते हुए यहाँ पर हाइट हम लोग दे देंगे 4.5। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्रॉप को सिलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि फोटो के ऊपर जो है यहाँ पर क्रॉप का जो डायगनल है यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम लोग इस तरह से छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से एरो की का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने फोटोज का जो हेड है हम लोग इसको सेंटर में रखेंगे क्रॉप के एरिया को, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पर कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अगर आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट हो चुका है बैकग्राउंड का। यहाँ पर अगर आप जिस बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, या अगर आप वाइट रखना चाहें तो यहाँ से पूरा वाइट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ एरिया जो मिस हुआ है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके होल्ड रखेंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो एरिया है इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का जो सिंबल है आपके कीबोर्ड में राइट साइड, उसको अगर प्रेस करते हैं तो इस तरह से जूम हो जाएगा। और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके होल्ड रखेंगे और इस तरह से आप जिस एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करना चाहें शिफ्ट प्रेस करके होल्ड रखेंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो हेयर है इनको हम लोग, जो बाहर निकला हुआ हेयर है इसको हम लोग इस तरह से डिसलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके होल्ड रखेंगे और इस तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। तो कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिट हो चुका है स्क्रीन के अंदर। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर फीदर में जाएंगे। फीदर यहाँ पर 5 है तो फिलहाल हम लोग इसको 3 कर लेते हैं या 2 कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 रखते हैं एंड उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है और पूरा प्योर जो है हमारा वाइट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं दूसरे कलर में तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर लेंगे। इसके बाद वापस से डिलीट प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। तो हम लोग इसको रन देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो लाइटनिंग है इसका कम बेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इमेज में और यहाँ पर आपको मिलेगा एडजस्टमेंट का ऑप्शन, इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कर्व मिलेगा और यहाँ से इस तरह से ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड साइज फोटो जो है लगभग बन चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये 4 साइज का एक पेज लेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग आएंगे प्रिंट में। प्रिंट में आने के बाद यहाँ पर A4 का जो साइज़ का पेपर है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर ये जो फोटो है इसको हम लोग इसमें ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर अपने लेफ्ट की को प्रेस करके होल्ड रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट में। एडिट में यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रोक, स्ट्रोक में यहाँ पर जाएंगे और स्ट्रोक में यहाँ पर विड्थ जो है 3 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। उसके बाद कलर यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेंगे, ओके करते हैं एंड इसका लोकेशन जो है हम लोग सेंटर रखेंगे। सेंटर रखने के बाद यहाँ पर मोड है, मोड हम लोग नॉर्मल रखेंगे, ओपेसिटी भी हम लोग 100% रखेंगे। उसके बाद ओके करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ब्लैक कलर का बॉर्डर चारों तरफ फोटो का आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इसका कॉपी हम लोग इस तरह से एक ले लेंगे, एरो की सहायता से इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं
बीच का गैप, उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और वापस से ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो फोटो है हमारा इस पेपर के बाहर चला गया है, तो इसको हम लोग चारों को सिलेक्ट किए और एरो की सहायता से इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार फोटो आ चुका है। इसके बाद वापस से हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस की सहायता से इस तरह से कॉपी बना लेंगे इनका। वापस से बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेज जो है लगभग फुल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इस फोटो को अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, फाइल में यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे जा करके यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप इसको JPG फॉर्मेट में सेव करके किसी स्टूडियो में जा करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सेव एज कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग फोटो का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर अनटाइटल है, हम लोग फिलहाल इसको अनटाइटल 1 रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम लोग सेव एज जो टाइप है यहाँ से हम लोग JPEG को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर JPEG है, ओके करके इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इमेज के ऑप्शन में क्वालिटी में यहाँ पर मैक्सिमम को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पर ये जो साइज़ है इसको हम लोग लार्ज रखेंगे। इसके बाद ओके करते हुए इसको सेव कर लेंगे। चलिए आते हैं फोल्डर में और यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास ये जो हमारा पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो है यहाँ पर सेव हो चुका है। इसको जूम करके आप देख सकते हैं क्वालिटी जो है इस प्रकार से है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाया जाता है इसको आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।